मैडम, डेंगू के मरीज रायगढ़ में मिले हैं, लोगों में थोड़ा डर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? डेंगू के जो दो पेशेंट्स अभी मेडिकल कॉलेज में हैं, कल बुखार के कारण भर्ती हुए हैं, उनका अभी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि उनका टेस्ट नहीं हुआ है। तो एक बार टेस्ट हो पाएगा तभी पुष्टि हो पाएगी कि वाकई में उनको डेंगू है या अन्य किसी वायरल फीवर या अन्य किसी बीमारी के कारण उनको बुखार आया हुआ है। शेष बाकी डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ऑलरेडी समय पूर्व से ही तैयारी कर रहा है और लगातार जो है वो साफ सफाई का अभियान चालू है। स्प्रेइंग बकायदा समय समय पर की जा रही है और उसके अलावा कूलरों में पानी का जमावड़ा ना हो, संजय मार्केट की विशेष साफ सफाई, या पिछले साल जहाँ जहाँ डेंगू की समस्या उत्पन्न हुई थी जिन जिन वार्डों में, उनमें विशेष तौर पे हम लोग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाने की कार्य योजना बनाई थी। कुछ जगह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जन जागरूकता के लिए जगह जगह पर बैनर्स लगाए गए हैं, जागरूकता रैली करवाई जा रही है। और मेरा भी सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि पानी का जमाव कहीं ना हो उसके लिए विशेष ध्यान दें, चाहे घर में वाटर कूलर हो, पुराना कबाड़ हो, पुराना बाल्टी हो, अगर इस प्रकार का पानी कहीं रुकता है तो वहाँ पर मच्छर उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अगर हम जागरूक होके इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और प्रशासन की ओर से हम लोग के द्वारा पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है तो ऐसी कोई नौबत उत्पन्न नहीं होगी या कोई ऐसी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा मेडिकल कॉलेज में और साथ में जिंदल हॉस्पिटल में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि अगर कोई भी खुदा नखस्ते इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग बकायदा उसकी निपटेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मैडम निर्देशित किया जाएगा? मैं रायगढ़ के मीडिया से यही अनुरोध करूंगी कि लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करें और डेंगू कोई अलग से मतलब कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, आप वहीं आसपास की पानी में ही पनपेगा। तो अगर पानी का जमाव नहीं होगा तो वो स्थिति निर्मित नहीं होगी। और अगर यदि कहीं इस प्रकार की संभावना उत्पन्न हो रही है, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे स्प्रेइंग की आवश्यकता है या विशेष सफाई के अभियान की आवश्यकता है, तो यदि जिला प्रशासन को समय रहते सूचित किया जाएगा तो वहाँ साफ सफाई करवा करके हम लोग ऐसी स्थिति निर्मित ना हो उसका पूरा ध्यान।